सैमसंग स्मार्ट टीवी में सॉफ्टवेयर कैसे अपग्रेड करेंगे, इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। जो यूजर है, यूजर भी इस वीडियो को देखकर अपना टीवी खुद अपग्रेड कर सकते हैं। ये जो वीडियो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपना जो स्टूडेंट है उन लोग के लिए। अगर आप खुद चाहते हो कि अपना स्मार्ट टीवी को अपग्रेड करने के लिए, तो इस वीडियो देखकर आप अपग्रेड कर सकते हो। सो उसका जो पूरा प्रोसेस है मैं बताऊंगा, जस्ट आप फॉलो कीजिए। फर्स्ट हमको ये देखना पड़ेगा जो टीवी का मॉडल नंबर है वो क्या है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अपना टीवी का जो मॉडल नंबर है, ये वाला मॉडल नंबर है। तो इस अकॉर्डिंग में हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट से हम इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। सो आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है कंप्यूटर में, फिर उसके बाद उसका जो मॉडल नंबर है उस मॉडल नंबर से आपको सर्च करना है। ये मॉडल नंबर से मैं सर्च कर लिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे आना है और सैमसंग का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको दिखेगा www.samsung.com। सो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका मॉडल नंबर भी शो हो रहा है, तो इस टैब को ओपन करना है। क्लिक करोगे तो ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये उस वेबसाइट में ये ओपन हो गया। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, हमको सॉफ्टवेयर चाहिए, तो यहाँ पर कैटेगरी दिखाएगा, यहाँ पर उसका कैटेगरी दिखाएगा काफ़ी सारा। तो हमको जो चीज़ का रिक्वायरमेंट है उसी चीज़ को फाइंड करेंगे। तो हमको यहाँ पर सॉफ्टवेयर चाहिए, इसका फ्रीमवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो इस ऑप्शन में आके क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फाइल शो होगा। तो यहाँ पर दो फाइल हैं, एक यूज़र मैनुअल है जो इस टीवी को यूज़ करने का सिस्टमेटिक्स जो है वो बताएगा, और इसके अलावा यहाँ पर एक अपग्रेड फाइल है जो USB टाइप होगा USB। ये जो फाइल है हमको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर अगर आप डाउनलोड बटन में क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है साइज 63 MB। सो अभी हम क्या करेंगे, इस फाइल को डाउनलोड करेंगे। सो यहाँ पर डाउनलोड बटन में क्लिक करेंगे, डाउनलोड बटन में क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम वेट करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए कोशिश करता है बट अपग्रेड होता नहीं है। तो उसका रीज़न, आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का जो सही सिस्टम है वो आपको पता नहीं है। तो मैं इस वीडियो में कवर करने के लिए कोशिश करूँगा एक्चुअल में सॉफ्टवेयर कैसे अपग्रेड होता है। जो ब्रांडेड टीवी होता है, जो ब्रांडेड टीवी है उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। जो हमारे पास यूनिवर्सल बोर्ड वगैरह है उसका टाइप का ये नहीं है। तो इसको अपग्रेड करने के लिए अलग अलग सिस्टम होता है अलग अलग ब्रांड के हिसाब से। तो अभी जो सैमसंग का है मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शो फोल्डर में क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक फाइल शो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस फाइल को आप डायरेक्टली पेन ड्राइव में जाके अपग्रेड नहीं कर सकते हो क्योंकि ये कंप्यूटर का एक फाइल है। तो इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद रन बटन में क्लिक करेंगे तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर देख सकते हो एक्सट्रैक्ट का एक बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो ये इसके अंदर जो फाइल हमको चाहिए था ये फाइल अभी फोल्डर बन के आ गया। आप यहाँ पर देख सकते हो दो फोल्डर हैं। आप पेन ड्राइव से अपग्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों फाइल को कॉपी करके पेन ड्राइव में कॉपी कर लेंगे। सो आपको क्या करना है, ये दोनों फाइल को कॉपी करना है और पेन ड्राइव में पेस्ट कर देना है। फिर उसके बाद मैं आगे का प्रोसेसिंग दिखाता हूँ। अभी आपको क्या करना है, जो USB है उसको कनेक्ट कर देना है। टीवी में जो पोर्ट दिया हुआ है USB का, वहाँ पर आपको USB कनेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद मेनू में आने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सपोर्ट का ऑप्शन में आना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मार्क एक लोगो है, सो ये सपोर्ट है। यहाँ पर हम आएंगे तो यहाँ पर चार ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से हमको क्या करना है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो सॉफ्टवेयर अपग्रेड, तो यहाँ पर हम जाएंगे। अब ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक मेनू शो करेगा
जहाँ पर बाय यूएसबी लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर भी हैं, पर हमको यूएसबी से अपग्रेड करना है तो हम यूएसबी का ही प्रोसेस बताएंगे। तो अभी क्या करेंगे, इसको ओके प्रेस करना पड़ेगा फिर से। अब यहाँ पर देख सकते हो ये क्या हो रहा है, यूएसबी से स्कैनिंग हो रहा है, तो स्कैनिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको वेट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा फाइल यूएसबी से हम लोग कनेक्ट किया, वहाँ पर एक फाइल फाउंड हुआ जो अपग्रेड वर्शन और नॉन अपग्रेड वर्शन, मतलब ओल्ड वर्शन। यहाँ पर जो ओल्ड वर्शन है वो 00.10.10 है, टू वर्शन 00.10.20, तो ये हमारा न्यू वर्शन क्या होगा, 00.10.21। सो अभी इस प्रोसेस में क्या करेंगे, हम ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको बस वेट करना है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि जैसे ही सॉफ्टवेयर का कोई एरर आएगा तो आपका टीवी रीस्टार्ट होना लग जाएगा। टीवी में रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है आगे जाके, अगर आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करते हो तो, क्योंकि जब कोई बग्स आता है उसके अकॉर्डिंग में सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जाता है कंपनी के द्वारा। इसीलिए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना जरूरत पड़ सकता है और अपग्रेड किया जाता है जो छोटा छोटा बग्स होता है उसको सॉल्व करने के लिए। ये वीडियो में हम सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का प्रोसेस पूरा बताया, इसीलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का जरूरत पड़ सकता है। तो अभी मैं आगे जाके बताऊंगा कि कहाँ कहाँ सॉफ्टवेयर का अपग्रेड करने का जरूरत पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर अपग्रेड कंप्लीट, आप क्या होगा, टीवी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली चालू होगा, या तो आपको रिमोट से स्टैंड बाय रिलीज करना है। अभी आप देख सकते हो टीवी ऑन हो गया, सॉफ्टवेयर अपग्रेड पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का जरूरत पड़ेगा तो इस सॉफ्टवेयर कैसे अपग्रेड होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सॉफ्टवेयर का जो कॉम्प्लेन होता है वो स्मार्ट टीवी में जो है वो कभी कभी सॉफ्टवेयर फेल होने से रीस्टार्ट का प्रॉब्लम होता है, और वो प्रॉब्लम हार्डवेयर का भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर को कैसे अपग्रेड किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर को कैसे अपग्रेड करते हैं। मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जो कुछ अलग अलग ब्रांड की, जैसे सोनी का है, सैमसंग तो हो गया, अब एलजी का भी है, कैसे अपग्रेड करते हैं, मैं वो भी प्रोसेस दिखाऊंगा आगे जाके। आज के लिए वीडियो इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।